हेलो फ्रेंड्स, मैं अलग गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे अगर आप लोगों ने फॉर्म को फिल कर लिया है तो आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है, कब तक काउंसलिंग हो सकती है आपकी, और काउंसलिंग से पहले आपको कौन कौन से स्टेप जो है फाइनल कर ले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपके हर एक डाउट जो है वो क्लियर हो पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि चॉइस जो है प्रेफरेंस की जो है चॉइस प्रेफरेंस की प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। कब तक थी? 5 तारीख तक डेट थी। अब देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि चॉइस फिल नहीं कर पाए हैं। वो लोग क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं चला, उन्हें कोई ईमेल नहीं आया। वैसा उनका क्लेम है कि उन्हें ईमेल नहीं आया था, और अगर ईमेल आया भी था तो क्या था, उनके स्पैम फोल्डर में चला गया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने चॉइस फिल नहीं कर पाया। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, डिप्स थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे आपके ईमेल पर आए या ना आए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ एडमिशन से रिलेटेड वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप कोई भी गलती जो है मत करो, गलती करोगे तो देखिए अभी जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है वही आपको भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चॉइस को फिल नहीं कर पाए। अब चलिए आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। आखिर जो बच्चे कह रहे हैं कि चॉइस फिल तो हो गई, अब आए की प्रक्रिया क्या है? देखिए, सिंपल सा प्रक्रिया आगे का आपको क्या करना है, अभी जो है करना है थोड़ा सा इंतजार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो है मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कब डिस्प्ले कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट ये लोग 16 तारीख को, ठीक है जी, 16 तारीख की ये लोग मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे अभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, उसका मैं रीज़न दे रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले एक लिस्ट आती है एलिजिबिलिटी लिस्ट। एलिजिबिलिटी लिस्ट मीन्स क्या होता है, आप लोग ये समझिए, एलिजिबिलिटी लिस्ट क्या होती है, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी लिस्ट क्या होती है? एलिजिबिलिटी लिस्ट दोस्तों वो लिस्ट होती है जिसमें जो भी बच्चे फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है जी, जो भी बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है और वो जानना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी है, उनको बताती है कि आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है, तो उनका जो है एक लिस्ट आता है, उसमें आपका पूरा का पूरा डिटेल रहता है, यानी कि नेम रहता है आपका, आपके फादर का नेम रहता है और आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। आप लोग वहाँ से अपने फॉर्म को चेक करते हो कि हाँ आप लोगों ने फॉर्म भरा है कि नहीं। देखिए, ये फॉर्म क्यों निकलता है, एलिजिबिलिटी लिस्ट क्यों निकलती है? ये इसलिए निकलती है क्योंकि वो जितने वो लिस्ट निकलती है वो स्टूडेंट जो है एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है जी, वो सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग के लिए। तो अगर कोई भी बात आती है, ठीक है, तो सारे के सारे स्टूडेंट को कंसीडर किया जाता है काउंसलिंग में। अब देखिए, इसमें उन बच्चों के नाम नहीं आएंगे जिन्होंने किसी भी तरीके का अपने फॉर्म में जो है लाइक गलती कर दी है, फीस सबमिट नहीं किया है, ठीक है, या तो वो या तो चॉइस प्रेफरेंस फिल नहीं किए हैं, तो ऐसे बच्चों का उस एलिजिबिलिटी लिस्ट में नाम नहीं रहता है। तो आप लोग ये इंश्योर कर लीजिए आप लोग का फॉर्म जो है बिल्कुल सही है कि नहीं। अब मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि फॉर्म जो है बिल्कुल सही होगा तो आपको कैसे दिखने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, जैसे आप लोग अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे मुझे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, माय एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म, ठीक है जी। आप लोग प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अब आपके सामने अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे पेड दिखा रहा होगा, ठीक है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी आप लोग इसको व्यू करोगे, व्यू करके आप लोग देखोगे आपके सारे सारे ये जो है आपका फॉर्म है, और आपको सबसे ज़्यादा क्या देखना है, तो आप लोगों ने जो भी प्रेफरेंस फिल किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है जी। आपने जो भी प्रेफरेंस फिल किया, आपने प्रेफरेंस फिल किया भी है या नहीं, और आपको ये रिसिप्ट है वो दिख रही है कि नहीं, तभी माना जाएगा आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। तो जैसे भी काउंसलिंग की डेट आएगी वो मैं आपको अनाउंस करूंगा, जो भी प्रक्रिया होगा सारे के सारे मैं आपको एडमिशन से रिलेटेड हर एक हेल्प मैं आपको करता रहूँगा, ऐसे ही वीडियो बना बना करके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं हम, अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिस्ट तो आ गई। एलिजिबिलिटी लिस्ट होने के आने के बाद क्या होता है, एलिजिबिलिटी लिस्ट होने के बाद दोस्तों आती है वहाँ पर काउंसलिंग के लिए डेट आती है कि कौन से मेरिट वालों को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जा रही है, अब काउंसलिंग कौन कौन से बच्चे आकर के करा सकते हैं यूनिवर्सिटी में। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट करने वाले हैं कि काउंसलिंग जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए, दोनों मोड में चलता है यहाँ पे काउंसलिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया था इसके पहले दोनों मोड में हुई थी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन सबमिट करवाए गए थे, उसके बाद से हमें यूनिवर्सिटी में बुला करके और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो दोनों मोड में काउंसलिंग हुई थी। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि दूर के रहने वाले हैं तो आप लोग ये मत समझिए कि आप लोग का जो ऑनलाइन एडमिशन होगा, नहीं, आप लोग को कॉलेज में आना ही पड़ेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार भी आना पड़ सकता है। तो आप लोग इसी अकॉर्डिंग आप लोग अपनी व्यवस्था देख लीजिएगा आप लोग जहाँ से भी आने वाले हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है, बाकी जैसे कि अदर अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताता रहूँगा। अभी के लिए आपको ये इंश्योर ये कर लेना है कि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल कर दिया है, चॉइस फिल्म जो भी चॉइस फिलिंग है उसको पूरी कर लिया है कि नहीं, तभी जो है आपका एडमिशन जो है यहाँ पर हो पाएगा। क्योंकि अगर बाद में आप लोग कोई गलती करते हो, जैसे अभी बच्चे परेशान हो रहे हैं कॉलेज जा जा करके एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो आप लोग को भी यही करना पड़ सकता है। और
अंत में ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन जो है कैंसिल भी हो जाता है, तो आप लोग गलती मत दोहराइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप कोई कमेंट्स या क्वारीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सारे सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मिलेंगे ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।